कार मंच पर पुनः स्वागत है आपका। आज हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज हम आपकी कविताएं सुनेंगे। मेरे लिए भी बड़ी प्रसन्नता की बात है और थोड़े से आश्चर्य की बात है कि आपको मेरे विनम्र भव्य कृतियों में रुचि हुई। तो मैं थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। स्वागत है। सच में मेरा जो काव्य लिखने का अनुभव है वो हिंदी से कम जुड़ा हुआ है, अपनी मातृभाषा से अधिक जुड़ा हुआ है, यूक्रेनी से। मेरे कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, किंतु अभी कई सालों से, कई महीनों से कह सकते हैं, मेरा एक शौक हुआ है कि मैं अपनी पुरानी यूक्रेनी कविताओं की कुछ पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद करता। तो जो मुख्य बिंदु होते हैं कविताओं के, जो जिनको पंच लाइन कह सकते हैं, उनको लेकर मैं हिंदी में अनुवादित करता हूँ। तो पोस्ट भी करता हूँ कहीं सोशल मीडिया में, छोटे 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 काव्यांश। तो ऐसा लग सकता है कि बहुत छोटी सी कविताएं हैं, किंतु मूलतः वो थोड़ी बड़ी रचनाओं का एक अंश होता है। तो हिंदी में बस मुख्य बिंदुओं का अनुवाद करता हूँ। तो ठीक है, बिना अधिक परिचय दिए, हाँ ये कहना चाहूँगा कि यूक्रेन से हूँ। यूक्रेन में हिंदी पढ़ाने का काम करता हूँ। यहाँ जो भारत से जुड़ा शैक्षिक विभाग है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। हिंदी भाषा एवं भारतीय साहित्य केंद्र तरास शेवचेंको कीव राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एक ऐसा विभाग है जिसका मैं आजकल अध्यक्ष हूँ और उधर के छात्रों को पढ़ाता हूँ। तो साथ साथ हम कुछ साहित्यिक गतिविधियों से भी जुड़े हैं। तो जैसे मेरी जो व्यक्तिगत रुचि है काव्य लिखने की, तो इसमें हिंदी का अभ्यास और काव्य से प्रेम दोनों मिलकर प्रकट होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी मतलब थोड़ी सी पंक्तियों में कुछ कही हुई बातें, मैं उनको थोड़ा पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ। बिल्कुल, और एक कुछ यूक्रेनी में भी आप सुना सकते हो, उसका कुछ हिंदी में भावानुवाद कर सकते हैं। जी वो अगर ऐसा कुछ मन में आएगा सुनाते सुनाते तो वो भी करेंगे। स्वागत है सर। जी धन्यवाद। वैसे काव्य लिखते समय मेरी जो प्रेरणा होती है, जो उत्साह आता है, जो विषय आते हैं, तो थोड़े से क्या आध्यात्म और अलौकिक आयामों से जुड़े होते हैं। किंतु मूल में तो हम मनुष्यों के भाव ही रखे हुए होते हैं। मनुष्य का ऊपर वाली शक्ति से जो संबंध होता है, या जो विश्वास, जो आस्था होता है, जीवन को लेकर कुछ मूल बिंदुओं के प्रति मनुष्य का जो मनुष्य की जो रवैया होती है। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ बिना कुछ अधिक बोले। तो आकाश, विचारों के अंधेरे बादल आए भी उन्हें भगाने की न होगी कोई चेष्टा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो आकाश है उसके ऊपर वो फिर भी तुम ही हो। जो आकाश है उनके ऊपर, मतलब बादलों के ऊपर जो आकाश है वो तुम ही हो।
तो बादलों की कोई चिंता नहीं है। कुछ कविताओं में एक श्रृंगार रस भी आता है, माधुर्य भाव भी आता है। जब किसी प्रियजन की प्रशंसा की जाती है या अपना मोह प्रकट किया जाता है, अपना प्रेम प्रकट किया जाता है, तो ये कहा जाता है कि तुम्हारा प्रकृति के साथ संबंध कितना अद्भुत है, यह है मंदिर तुम्हारा और तुम उसका, जिसमें हम अपना प्रेम स्रोत देखते हैं तो उसमें सारी प्रकृति, सारी सृष्टि समाई हुई नजर आती है। तो ऐसा कुछ अनुभव करके ये लिखा था। तनाव, जो सत्य है वो आएगा बिना किसी तनाव के, या वैसे ही बिना तनाव के न भी आ सकता है। बस ध्यान उतना रहे, उतना करना भी एक तनाव है। हमारी जो कुछ आकांक्षाएं होते हैं जीवन से, हमारी जो इच्छाएं होते हैं, वो पूरी भी हो सकती है, ना भी हो सकती है। उस बात को लेकर तनाव में रहना वो असहज है, अप्राकृतिक है। तो ये कहा है कि जिस सत्य को आना है वो बिना किसी तनाव के आएगा, या फिर बिना किसी तनाव के नहीं आएगा, उसकी चिंता करना वो भी एक तनाव होता है। फिर से प्रेम भाव को लेकर एक कुछ पंक्तियां हैं। क्या सच में मैंने प्रेम करने का वचन दे दिया था? लगता है कुछ अधिक ही पी रखी थी। मंदिर की नींव जैसे इस भाव को अन्यथा किसी वचन की क्या आवश्यकता है? हम जब किसी से कोई गहरा जुड़ाव अनुभव करते हैं, फिर बीच में भौतिक दूरी आ जाती है, तो उसके बजाय भी उस जुड़ाव को पूर्णतः अनुभव करना वो एक उच्च मनस्थिति होती है। तो ये मैंने लिखा, किसी की आंखों की चमक में पूरा एक जगत देख पाना पहले से ही एक चेतना में जुड़ों के लिए बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे साथ एक ही समय और अंतरिक्ष में जीना ही एक उत्सव है, और बीच में यदि कुछ आ भी सके तो बस वही समय और अंतरिक्ष ही होंगे, अर्थात उसी उत्सव का ही एक भाग। उसी प्रेम भाव के संदर्भ में एक छोटी सी है, दो पंक्तियों में एक विचार है। मेरे सपने को तुमने कर दिया निराश, निकली जो उससे बढ़कर। हमारा जो नाता होता है, जो आध्यात्मिक नाता होता है किसी ऐसी शक्ति से जो लौकिक भाषा में, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसको कई धर्मों में अलग अलग नाम दिए गए हैं, निर्वाण, समाधि इत्यादि। मैंने एक कविता में उसको अथाह का नाम दिया है, जिसको हमारा मस्तिष्क ग्रहण नहीं कर पाता है, वो हमारे लिए अथाह जैसा कुछ है। किंतु हम जब उससे संबंधित होते हैं, हम जुड़ जाते हैं, तो हमारे पूरे व्यक्तित्व में उसकी एक झलक आ जाते हैं। इसलिए ये लिखा है कि अथाह जब समा जाए आंखों में, तो फिर उसको छुपाने का एकमात्र उपाय है उनको सदैव के लिए बंद करना।
या फिर उसी अथाह को हम शक्ति का नाम भी दे सकते हैं, जैसे हिंदू धर्म में शक्ति का सिद्धांत होता है। आजकल जो नवरात्रि चल रही है, जिनकी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं सभी श्रोताओं को, वही हिंदू धर्म में एक स्त्री रूप में आदि शक्ति को माना जाता है, पूजा जाता है, जो कि हमारी सभी जीवन शक्तियों का एक मूल स्रोत होता है, होती है। तो देवी को समर्पित करके मैंने ये लिखा कि आदिशक्ति तुम्हारा मैं आभारी हूं इस बात का कि और कुछ बनूं सिवा तुम्हारे वो आता ही नहीं मुझे। जैसे पेशे से मैं एक भाषा देता हूं, भाषा पढ़ाता हूं, तो कभी कभी कुछ गहरे भावों का संबंध भाषा के कुछ पहलुओं से मैं करता हूँ, बना लेता हूँ काव्य में। जैसे भाषा का एक भाग होता है सर्वनाम, सर्वनाम जिसका हम प्रयोग करते हैं भाषा में, और सर्वनाम भिन्न भिन्न प्रकारों के होते हैं, और कुछ होते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम, जैसे मेरा, तुम्हारा, आपका। तो ये लिखा हुआ है कि प्रेम का शुद्धिकरण करना हो तो अधिकारवाचक सर्वनाम हटाओ। जब प्रेम में ना मेरा ना तुम्हारा रहेगा, तभी प्रेम शुद्ध रह सकता है। कहता मैं ये भी कि तुम्हारे साथ रहूंगा अनंत काल तक। यदि तुम्हारे साथ अनंत काल की भी मुझे परवाह रहती। हम सब जब प्रेम की बातें करते हैं तो आजीवन साथ निभाने का वचन देते हैं या उसकी बातें करते हैं। आजीवन या चिरकाल तक साथ रहने की जो सोच होती है श्रृंगार काव्य में, उसका थोड़ा सा अलग सा विश्लेषण करके मैंने कहा कि मैं तो ये कह भी देता कि चिरकाल तक रहूंगा तुम्हारे साथ, यदि उस अनंतता का मुझे अनंतता की मुझे कोई चिंता होती तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ मैं तो उसके बारे में भी भूल जाता हूं। जीवन के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जिनको स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, और हमें उन्हीं के साथ फिर अपना जीवन आगे व्यतीत करते जाना होता है। तो वो बड़ा चुनौती वाला काम होता है उस ऐसी परिस्थितियों में संतुलित और आनंद में रहना। तो एक छोटी सी बात से शायद मैंने इस दुविधा को सुलझाने का प्रयास किया है, ये कहकर कि मुझे सब कुछ स्वीकार है, ये बात भी कि रह गया बहुत कुछ अस्वीकार्य, जो मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं, तो इस बात को भी मैं स्वीकार कर लेता हूं। प्रेम तथा प्राणों में यदि चुना हो कोई एक, तो समझ लो कोई चुनाव की बात है ही नहीं। कई लोगों ने मेरी ये पंक्तियां इस तरह समझ लिया है कि मैंने ये कहने का प्रयास किया है कि प्रेम और प्राणों में कोई अंतर नहीं है, कि ये एक ही बात है। किंतु मेरे कहने का अर्थ शायद कुछ और था। मैंने कहा कि यदि सच में चुनना हो प्रेम और प्राणों में, तो प्रेम करने वाले के लिए समझ लो कि कोई चुनाव है ही नहीं, वो तो प्रेम ही चुनेगा प्राण देके।
तुमको अपना अस्तित्व मानने का मेरा एक सरल कारण है, तुम हो मेरा अस्तित्व। दुर्भाग्य सौभाग्य जैसे शब्दों को लेकर भी कुछ कुछ पंक्तियां मैंने दोनों को समर्पित किया है। हम अपने जीवन में अधिकतर सौभाग्य का ही स्वागत करना चाहते हैं, सौभाग्य को ही देखना चाहते हैं, किंतु पूरे ब्रह्मांड में तो शायद संतुलन सा रहता है इन दोनों का, सकारात्मकता नकारात्मकता का एक संतुलन सा होता है। हमें दोनों से गुजरते हुए जीना पड़ता है, जीना होता है। तो दुर्भाग्य के लिए मैंने कहा कि दुर्भाग्य इधर आकर बस गया तो क्या हुआ, विशाल ब्रह्मांड में इसका भी कोई ठिकाना होना तो बनता है। और जहां तक सौभाग्य की बात है तो वो तो और बड़ी बात है। सौभाग्य का आभारी हूं मैं कि वो बड़ा है, उस पर मेरे संदेह से। कभी कभी हम सुखी इसलिए नहीं हो पाते हैं कि हम अपने सुख पर विश्वास ही नहीं कर सकते हैं कि मैं सुखी हो सकता हूं। बिना कुछ सुलझी हुई परिस्थितियों के मैं स्वयं को सुखी अनुभव करूं वो कुछ विचित्र सा लगता है, किंतु यही सहज होता है, यही सही मार्ग होता है। और जो सौभाग्य जो सुख हमारे पास आता है, एक बार हमें ये मानना चाहिए कि इसकी जो शक्ति है वो मेरे किसी भी संदेह से बड़ी होती है। तो इसमें यह होता है कि मेरा संदेह अगर हो भी तो मैं इसको भी सहज मानूंगा, एक ओर से मैं इसको सहज मानूंगा, दूसरी ओर से ये मेरा संदेह सुख आने में कोई व्यवधान नहीं बनेगा। ये आत्मा जब ऊब जाएगी शरीर से तब भी रह जाएगी आसपास हवा में, तुम्हारी सांसों में समाने के लिए। ये जो कुछ अंतिम पंक्तियां मैंने पढ़ी है तो मैं वो छोटी सी यूक्रेनी कविता सुनाऊंगा जिसमें ये पंक्तियां मूलतः लिखी गई थी। Коли душа своє дограє соло і знов розчиниться у тім, що є, я залишусь прозорістю навколо, щоб литися крізь дихання твоє. То Україні Бхаша кі Торисі Джала ка апко анбав каракар, ор є аша ліє кі मेरी सुनाई पंक्तियों से आपको कुछ प्रेरणा सी आई या कुछ अच्छे भाव अनुभव करने को मिले। मैं इस छोटे से कार्यक्रम के आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ तथा अग्रिम मुलाकातों की आशा रखता हूँ। धन्यवाद।